एक्सेल का जो इंटरफेस है उसका एक ज़रा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं और किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोड है और ये मैंने एक नया एक्सेल को लोड किया है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है बुक वन। बुक वन से मतलब क्या है कि ये एक्सेल अपनी तरफ से इसमें जो क्रिएट किए जाने वाली फाइल का नाम रखता है और फिर हम उसको चेंज करके अपने नाम से सेव कर देंगे जैसे कि हम चाहते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये है कि इसे हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इन्हें हम कहेंगे कंट्रोल बॉक्स, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का ऑप्शन आपको नजर आएगा। इसमें आप मिनिमाइज कर सकते हैं, पूरी वर्कबुक रिस्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और डायरेक्टली क्लोज भी कर सकते हैं। देन ये है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें सेव, अंडू और रीडू के बटन मौजूद हैं जिनको हम शॉर्टकट के तौर पे यूज कर सकते हैं। फाइल का मेन्यू है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और फाइल के मेन्यू को यूज करते हुए हम इसमें सेव भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं और अपनी फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। देन रिसेंट फाइल जो भी हमने अभी ओपन की है लास्ट टाइम, जिसमें डेट, फंक्शंस, मेन, और ये फाइल यहाँ पे एज अ शॉर्टकट के तौर पर आ रही है जिसे मैं डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ। और इसी तरह से प्रिंट वगैरह से रिलेटेड कुछ ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। एग्जिट का ऑप्शन भी यहाँ एग्जैक्टली मौजूद है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसे हम क्या कहेंगे। ये इस पूरे एरिया को हम कहेंगे ऑफिस रिबन। ऑफिस रिबन, और इसमें मौजूद है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, एडिंग्स, एक्रोबैट टैब वगैरह। और ये टैब्स हमें नॉर्मली इनमें मिलते हैं और हर टैब से रिलेटेड कुछ ना कुछ कमांड्स हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन कमांड्स मतलब ये कि जो हमें हर शीट को प्रिपेयर करने के काम में आती है वो हमें होम टैब में मिलती हैं, जिसमें फॉर्मेटिंग यानी कि अलाइनमेंट से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं, फॉन्ट से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं, या फिर स्टाइल से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं और नंबरिंग फॉर्मेट वगैरह से भी रिलेटेड कुछ कमांड हैं, सेल्स हो गए और एडिटिंग के हवाले से। इसके ज़रा जस्ट नीचे आएंगे तो इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स, जहाँ पे हमें हर सेल का नाम नजर आएगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो इसका नाम क्या है और इस सेल का क्या नाम है, ये भी हमें पता चलेगा। उसके जस्ट बिसाइड अगर हम देखें, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार, जो हमें फ्यूचर में चल के समझ में आएगा कि इसका क्या फंक्शन है और ये किस तरह से यूजफुल हो सकती है, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। इसके नीचे आएंगे तो ये आपके सामने तीन टैब्स नजर आ रहे हैं, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। बेसिकली आइडिया ये है कि ये जो पूरा एक्सेल का इन्वायरमेंट है, ये पूरा इन्वायरमेंट जिसमें एक्सेल ओपन हुआ है हमारे सामने, इसे हम कहते हैं वर्कबुक। क्या कहते हैं? वर्कबुक। और हर वर्कबुक में जब हम न्यू वर्कबुक लेते हैं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट यानी कि शुरू से तीन शीट्स होती हैं, शीट वन, शीट टू और शीट थ्री। ये शीट्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। आप चाहें तो यहाँ से शीट फोर भी ऐड करा सकते हैं, शीट फाइव भी ऐड करा सकते हैं, और आप चाहें तो उन शीट्स को वन बाय वन डिलीट भी कर सकते हैं, और थ्री भी डिलीट कर सकते हैं और टू भी डिलीट कर सकते हैं। एटलीस्ट वन शीट तो इसके अंदर रहनी चाहिए। अब अगर हम शीट की बात करें तो शीट क्या है? शीट कलेक्शन है कॉलम्स का एंड रोज का, और कॉलम एंड रोज से मिलकर बनने वाले सेल्स का। तो ये वर्टिकल लाइंस जो हमारे सामने आ रही हैं जिनके नाम ए बी सी डी आपकी आसानी के लिए दिए हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स, और इन्हें हम कहते हैं रोज जिसपे नंबर असाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वगैरह। और इन दोनों से मिलके जो बन रहा है सेल, लेट सपोज, तो फिर क्या बात हुई समझ में आने की? वो बात ये है कि अगर हमने यहाँ पर जो है ये जो कॉलम क्रिएट किए हैं बल्कि क्रिएट नहीं किए बल्कि जो पहले से मौजूद हैं, और इन रोज जो पहले से मौजूद हैं, इन दोनों से मिलके जो एक ये पोर्शन बन रहा है इसे हम कहते हैं सेल। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी है कि ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं और ये सेल है। बट इस सेल का भी एक नाम है, मतलब अगर कॉलम का नाम सी है और रो का नंबर है, मतलब यूजर की आसानी के लिए यहाँ पे हर कॉलम को एक नाम दिया गया है और हर रो को एक नंबर दिया गया है। लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ तो हम ये कह सकते हैं कि ये रो नंबर 12 पे मौजूद है, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कॉलम डी में मौजूद है। तो सेल का क्या नाम होगा? सेल का नाम वही होगा जो कॉलम का और रो का नंबर है, मतलब इस सेल का नाम है ई, देन 6, E6, और इस सेल का क्या नाम है? B11। कॉलम एंड रोज मिलके बनाते हैं सेल्स। अच्छा, ये जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक कलर का निशान आ रहा है जिससे वो सेल हाईलाइट हो जाता है, इसे हम कहते हैं सेल पॉइंटर। इसे हम क्या कहते हैं? सेल पॉइंटर।
तो ये सेल पॉइंटर को आप ऐसे ड्रैग करके सिलेक्शन पे भी ला सकते हैं और अप एंड डाउन मूव करके सिलेक्शन पे भी ला सकते हैं। बट अब ये अगर मालूम करना हो कि एक्सेल में एग्जैक्टली कितने कॉलम हैं एक शीट में कितने कॉलम हैं, तो हम ये कहेंगे कि 65,536 तकरीबन इतने कॉलम एक शीट में मौजूद हैं, और रोज कितनी है एक शीट के अंदर। तो अगर हम अपने कीबोर्ड से एंड का बटन दबाएं, एंड एंड की दबाएंगे और डाउन एरो दबाएंगे, तो हम आखिरी रो पर पहुंच जाएंगे जो कि है 10,48,576। और एंड का बटन दबा के अगर अप एरो दबाएंगे तो फर्स्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे, यानी कि फर्स्ट रो पे पहुंच जाएंगे। तो कॉलम की तादाद और रोज की तादाद, मतलब एक शीट में 65,536 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 रोज होती है। तो इस तरह अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले फॉर एग्जाम्पल कि एक रो में कितने कॉलम है, तो भाई एक रो में कॉलम तो उतने ही होंगे, और अगर एक कॉलम में कितनी रोज है तो भी रोज की तादाद सेम ही रहेगी, 10,48,576। तो इस तरह से ये रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और ये काफी आगे है। आगे आप देखेंगे तो कॉलम्स के नाम कुछ इस तरह हैं कि जेड पे खत्म हो जाएंगे, तो ए ए ए बी ए सी और ए डी इस तरह से चलते चले जाएंगे, जबकि रोज तो फिर सीक्वेंशियल नंबर में चले रहे हैं। अभी हम ये देखते हैं कि फाइल को हम किस तरह से सेव करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमें फाइल सेव करनी है तो जनरली हम यहाँ पे एक शॉर्टकट कमांड है जिसको हम क्लिक करके सेव कर सकते हैं, और अगर हम फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट की तो हमें पता ही, कंट्रोल एस दबा के भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं। क्लिक किया सेव पर, और ये अपनी तरफ से इसने इसका नाम रखा है बुक वन। तो ये समझ लें कि पूरी वर्क बुक का नाम एक्सेल रखता है बुक वन, आप उसे चेंज कर लें। लेट सपोज आप उसका नाम रख देते हैं माई बुक या माई फर्स्ट एक्सेल बुक, और इस एक्सेल 2010 की फाइल का जो टाइप है यानी कि एक्सटेंशन है .xlsx ही होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और हम इसको सेव कहाँ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप में भी, या जहां आप चाहें उसको सेव इजीली कर सकते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो यहां देखें टाइटल बार पे इसका नाम आ गया और डॉट के बाद उसका एक्सटेंशन भी शो हो रहा है। देन अगर हम इसको क्लोज करना चाहें तो यहां से क्लोज भी कर सकते हैं, और रीओपन करना चाहें तो फाइल में जाके ओपन करेंगे और बताएंगे कि हमारी फाइल कहाँ सेव है, डॉक्यूमेंट्स में जाके, और हम अपनी फाइल को सर्च करेंगे, देन क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। अगर किसी दूसरी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं तो ओपन करेंगे और उस फाइल को ढूंढेंगे क्या वो एक्सेल की है। एक्सेल की फाइल का जो आइकन है वो कुछ इस तरह का होता है जिसको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, दैट्स एक्स, और टाइप है एक्सेल एस एक्स, और नाम इसका आ रहा है। क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ये देखें आपके सामने दूसरी फाइल। यहां पर कुछ नीचे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे जूम स्लाइडर आ रहा है जिससे आप अपनी एक्सेल की शीट को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं नॉर्मली, और इसके अलावा आप जो है अपने लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम शीट डिजाइनिंग पे काम करते हैं तो हम प्रिंट नॉर्मल लेआउट पे रहते हैं, वरना अगर हमें पेज सेटअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब देखना है इसका व्यू, तो पेज लेआउट और तीसरा पेज ब्रेक प्रीव्यू भी हमारे सामने मौजूद है, बट नॉर्मल व्यू हमारे लिए बेस्ट रहेगा काम करने के हवाले से। ये इसका स्टेटस बार आ रहा है जहां रेडी लिखा हुआ, और ये जूम स्लाइडर है, आप इसको जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं इनके ऊपर जो लाइन आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं ग्रिड लाइंस, और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं व्यू में जाके, यानी कि अगर हमें फॉर्मूला बार नहीं चाहिए तो रिमूव कर देंगे चेक, हेडिंग्स यानी कि कॉलम के नेम और रोज नंबर नहीं चाहिए चेक कर देंगे रिमूव, और अगर ये ग्रिड लाइंस भी नहीं चाहिए तो रिमूव कर देंगे चेक। बट इससे एक्सेल की जो शीट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये आपकी आसानी के लिए चीजें थी, आपने उनको डिसअपेयर कर दिया, दोबारा चेक लगा के आप उनको अपियर भी करा सकते हैं और ये आपको एज इट इज नजर आएगी। तो ये था एक एक्सेल का इंट्रोडक्शन, और फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे देखेंगे।